हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा की क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप कार्डिगन पर, स्वेटर पर, किसी पर भी बना सकते हैं और ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस बॉर्डर के लिए हमने 16 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और उसमें हमने 5 एक्स्ट्रा फंदे ऐड करने हैं। ये देखिए, इसकी सीधी साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। देखिए, मैंने लाइट कलर में बनाया हुआ है। इस बॉर्डर के डिजाइन के लिए हमने ये 37 फंदे लिए हैं, 37 स्टिचेस लिए हैं और ये हमारी पहली सिलाई है सीधी साइड से। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे। अब इसके साथ वाला फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ऐसे ही अब हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब हम ये उल्टी साइड आ गए, रॉन्ग साइड। जो फंदे हमने पहले सीधे बुनाई किए थे वो फंदे अब हम उल्टे बुनाई करेंगे और जो उल्टे बुनाई किए थे वो फंदे अब हम सीधे बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा हमने उतार लिया, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ऐसे अब हम ये सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब हम ये सीधी साइड आ गए, ये हमारी बॉर्डर की तीसरी सिलाई है। तो पहला फंदा हमने उतार लिया। अब ये देखिए, ये हमारा सीधा फंदा दिखाई दे रहा है तो हम इसको सीधा बुनाई करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ऐसे करके हमने ये 8 सलाइयाँ बनानी है। ये हमारी तीसरी सलाई है तो हम 5 सलाइयाँ और बनाएंगे। टोटल हमारी 8 सलाइयाँ बन जाएंगी। तो अब मैं आपको ये इतना कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारे बॉर्डर की 8 सलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और ये हमारी अब 9वीं सलाई है सीधी साइड से। अब आप ध्यान से देखिए, हमने पहला फंदा उतार लिया। जैसे जैसे एक फंदा हमारा सीधा, एक एक उल्टा, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और आठ। हमने 8 फंदे ऐसे बुनाई कर लिए सीधे उल्टे। तो अब ये हमारा एक फंदा सीधा है, ये बीच का फंदा उल्टा और ये फंदा सीधा, ये हमारे 3 फंदे हो गए। ये जो तीसरा फंदा है इसको हमने ये दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है, धागा पीछे की तरफ करेंगे। अब हम एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। यहाँ पर देखिए, हमारे 3 फंदों के फिर से 3 फंदे हो गए और यहाँ पर हमारी जाली बन गई। अब बीच में हम 13 फंदे
उल्टे सीधे बुनाई करेंगे, ये हमारा उल्टा फंदा आ गया तो हम इसको उल्टा बुनाई करेंगे एक, ये हमारा सीधा फंदा है इसको सीधा बुनाई करेंगे दो, फिर उल्टा फंदा तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12 और 13, ये हमने बीच में 13 फंदे बुनाई कर लिए। बीच में हमने 13 13 फंदे ही रखने हैं और साइड में हमारे दोनों साइड 8 8 फंदे, एक एक एज स्टिच हो जाएगा तो टोटल 9 फंदे हो जाएंगे। तो अब हमने फिर से ये देखिए, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा। जो सीधा फंदा है ये तीसरा फंदा, इसको इन दोनों फंदों के ऊपर से हमने ऐसे निकाल देना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, यहाँ पर हमारी जाली बन गई। फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। जैसे जैसे हमारे फंदे हमने वैसे वैसे ये आखिर में बुनाई करने हैं। अब ये हमारी 10वीं सिलाई है उल्टी साइड से। तो पहला फंदा हमने उतार लिया, ये हमारा फंदा उल्टा हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसको उल्टा बुनाई करेंगे। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ऐसे ही अब हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की हमने सारी सिलाइयां ऐसे ही बनानी है उल्टी सीधी। ये देखिए जाली वाला हमारा फंदा आ गया, इसको हमने सीधा बुनाई करना है। फिर ये उल्टा सीधा। अब हम ये सीधी साइड आ गए। अब ये हमारी डिजाइन की 11वीं सिलाई है। तो पहला फंदा हमने उतार लिया, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो हो गए, तीन, चार, पांच और छः। अब हमने छः फंदे ये सीधे उल्टे बुनाई कर लिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा सीधा फंदा हो गया, ये उल्टा और ये सीधा। ये तीन फंदों में से हमने ये तीसरे फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, यहाँ पर हमारी जाली बन गई। ये देखिए यहाँ पर हमारे पहले जाली थी, तो ये वाला फंदा अब हम एक उल्टा बुनाई कर देंगे। धागा पीछे करके फिर से देखिए, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो इसको हमने तीसरे वाले फंदे को दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। फिर एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा। फिर ये देखिए, ये हमारा उल्टा फंदा दिखाई दे रहा, तो इसको उल्टा बुनाई करेंगे एक, ये सीधा फंदा दो, फिर ये उल्टा फंदा तीन, ये चार, पांच, छः, सात, आठ और नौ। ये अब हमने बीच में 9 फंदे बुनाई कर लिए। फिर से ये देखिए, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। ये तीसरे वाले फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। फिर हमने एक फंदा सीधा बुनाई किया, धागा आगे किया, फिर एक फंदा सीधा बुनाई किया। ये बीच में जहां पर हमारे हमने पहले जाली बनाई थी, ये फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे। फिर से हमने एक दो तीन, ये तीसरे वाले फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल लेना है।
फिर एक फंदा सीधा धागा आगे करके एक फंदा सीधा। फिर जैसे जैसे हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे बुनाई करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, आखिर का फंदा भी हम सीधा ही बुनाई कर देंगे। रॉन्ग साइड की हमने सारी सलाइयां जैसे जैसे हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे बुनाई करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, सीधा, फिर ये उल्टा, ये जाली वाला फंदा हमारा देखिए ये सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। अब ये हमारी 13वीं सलाई है सीधी साइड से। तो हमने पहला फंदा उतार लिया, एक फंदा सीधा एक, एक फंदा उल्टा दो, तीन और चार। अब हमने चार फंदे उल्टे सीधे बुनाई कर लिए। अब ये देखिए फिर से ये एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, ये तीसरे वाले को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा। ये जाली वाला हमारा फंदा ये हम उल्टा बुनाई करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक दो और तीन, ये तीसरे वाले फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा। फिर ये जाली वाला फंदा आ गया, ये हम उल्टा बुनाई करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन, ये सीधे वाले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा। अब हमने ये देखिए उल्टा फंदा आ गया एक, ये सीधा फंदा दो, फिर तीन, चार और पांच। अब हमने बीच में पांच फंदे बुनाई किए सीधे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, ये देखिए। तो हमने इसको इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। फिर हमने एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा। फिर ये जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनाई कर देंगे, फिर से एक दो तीन, ये तीसरा फंदा हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन, ये तीसरे वाले फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा। फिर ये देखिए इसके साथ वाला फंदा उल्टा है, ये उल्टा बुनाई करेंगे, जो फंदा सीधा है वो सीधा बुनाई करेंगे। ऐसे ही अब हम ये सारी रो कंप्लीट कर देंगे। रॉन्ग साइड से हमने सारी सलाई सीधी उल्टी ही बुनाई करनी है। अब ये हमारी 15वीं सलाई है सीधी साइड से। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, अब हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। अब हमने ये दो फंदे हो गए, फिर आप देखिए ये सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, ये तीसरे वाले फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल दिया। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, यहाँ पर जाली बन गई। अब ये जाली वाला फंदा हमारा आ गया, ये हम उल्टा बुनाई करेंगे, फिर धागा पीछे करके एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इसको हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, फिर धागा पीछे करके फिर से हमने एक दो तीन, ये तीसरे वाले को हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है।
फिर हमने एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनाई कर देंगे। फिर से हमने एक दो तीन ऐसे एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, बीच में हम एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे। ये देखिए एक दो तीन, ये तीसरे वाले को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल लिया, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा। फिर जाली वाला देखिए, यहाँ पर जाली बनाई थी, ये फंदा हमारा उल्टा आ जाएगा। फिर से एक दो तीन, ये तीसरे वाले को हमने इसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनाई कर देंगे। फिर एक दो तीन, इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन, ये तीसरे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर ये उल्टा फंदा, ये हम उल्टा बुनाई करेंगे, सीधा फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, आखिर का फंदा भी हम सीधा बुनाई कर देंगे। 16वीं सलाई हमने रॉन्ग साइड से, जैसे जैसे हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे बुनाई करनी है, ये उल्टा सीधा ही बुनाई करना है। अब ये हमारी 17th रो है, 17वीं सलाई है सीधी साइड से। तो पहला फंदा हमने उतार लेना है। अब हमने देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस फंदे को हमने तीसरे वाले फंदे को दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है, धागा पीछे की तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे करके, फिर से हमने एक दो तीन, ये तीसरे वाले फंदे को अब हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर ये जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनाई कर देंगे, फिर धागा पीछे करके ये तीसरे फंदे को हम दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे। फिर से हमने एक दो तीन, ये तीसरे वाले फंदे को हमने ये दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा जाली वाला उल्टा बुनाई करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन, ये तीसरे वाले फंदे को हमने इनके दोनों के ऊपर से निकाल दिया, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे। फिर से हमने सेम वैसे ही रिपीट करना है, आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब ये हमारी डिजाइन की 18वीं सलाई है, 18th रो। तो हमने जैसे जैसे हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे बुनाने हैं। ये देखिए ये हमारा फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा सीधा, उल्टा फिर सीधा, उल्टा ये देखिए ये हमारा 18 सलाइयों का बॉर्डर है। ऐसे ही ये खूबसूरत सा बॉर्डर आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।